साला ये तो पूरा खजाना है भाई, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा क्या लूं क्या ना लूं। अरे मैं क्यों आया हूँ साथ में, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूंगा। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम साथ में हो, अंजलि साथ में होती ना तो पूरी दुकान खरीद लेती। लेडीज लोगों का ऐसा ही है मेहता साहब, सोने का सौ सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है, अचानक से विटामिन ए बी सी डी सब धड़क से बढ़ जाता है। और हम लोगों का विटामिन एम कम हो जाता है, वो नहीं होता विटामिन पी ना पैसा। नहीं नहीं मैंने विटामिन एम बोला, मनी मनी। ओहो हो अंग्रेज के जमाने के लेखक है। अरे भाई हम तो कलम के सेवक हैं। अरे जेठालाल भाई केम छो? मजे में आई किया हो? बस बस एकदम मजे में। दया भाभी टपुड़ो चंपक बाबा एकदम मजे में एकदम। अच्छा अच्छा करो आज खरीदी करेजी लगी थी। हां मेरे दोस्त है तारक भाई मेरे। अरे अच्छा अच्छा तारक भाई अच्छा अच्छा नरेंद्र भाई इनकी ये दुकान है। अरे वाह मेहरबानी सेठ जी भाई मेहरबानी। अच्छा अच्छा कौन रहनु है? नहीं आप आचो तो खरा सेठ मुझे आचो तो खरा। अरे ये तो घर ही है अपना। आचो यार गोरो नेरणु है गाल करयो ना नेरण। बताओ बेटा इनको बताओ। हां थैंक यू बैठिए बैठिए आप। थैंक यू वेलकम वेलकम। बताइए सर क्या दिखाऊं आपको? हां बाबा जेठालाल क्या बोलते हो अंजलि के लिए अंगूठी ले लूं? बढ़िया हां ले सकते हैं अंगूठी। अंजलि भाभी की उंगली का नाप पता है आपको? नहीं नाप तो नहीं पता। अच्छा तो काम करें कान की बाली ले लो, उसमें नाप का कोई झंझट ही नहीं है। हाँ बाली भी ले सकते हैं, लेकिन बाली में क्या 2-3 टाइप की आती है, एक वो कुछ पेच वाली आती है ऐसा वो गोल गोल ऐसा घुमाते हो। अच्छा। एक वो प्रेस वाली आती है, तो अंजलि भाभी को कौन सी वाली पसंद है? मुझे तो ये भी पता नहीं है कि इतने तरह की बाली आती है। अच्छा। एक काम करो सबसे एकदम शेफ आप अच्छा डिजाइन का चेन ले लो, तो चेन में क्या अलग अलग पेंडेंट डाल के अंजलि भाभी अलग अलग ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। क्या बात है यार जेठालाल, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू वेरी मच यार, तुम इन सब मामलों में बहुत स्मार्ट हो, मुझे इतनी समझ ही नहीं है। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेहता साहब, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो सब समझ में आ जाता है, आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो ऐसे सीख जाएंगे। मैडम चेन दिखाइए ना। जी सर। जेठालाल मैं क्या सोच रहा हूँ चेन के साथ एक पेंडेंट भी ले लूं। देखो कितना जल्दी सीख गए आप। अरे ले लो मन करता है तो ले लो आंख बंद करके। अच्छा लगेगा थोड़ा। हाँ अरे अंजलि। हेलो पतिदेव जी। बोलिए बोलिए श्रीमती जी। आप थोड़ी देर में वापस आता हो ऐसा कह के कहाँ रफू चक्कर हो गए? अरे मैं कहाँ जाऊँगा अंजलि, यही हूँ। यहीं पर मतलब कहाँ? अरे जरा ध्यान से देखो अंजलि, तुम्हारे दिल में। मेरे दिल में तो आप हमेशा रहते हैं स्वामी। फिलहाल बोलिए ना आप कहाँ से बोल रहे हैं। एक मिनट अंजलि पूछ रही कहाँ हो बता दो। सरप्राइज। I'm missing you. I'm also missing you, अंजलि। अगर ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी आ जाइए ना यहाँ। बस यहाँ से निकलते आता हूँ। यहाँ से मतलब कहाँ से? छोड़ो ना अंजलि जाने दो ना। ठीक है मत बताइए, मैं सब समझ गई, आप मुझसे प्यार व्यार करते ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भाई अंजलि, बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है बता देता हूँ मैं कहाँ हूँ। जल्दी प्यार नहीं करते आप मुझसे। अरे वो तो अभी कुछ घंटों की तो बात है यार, थोड़ा पता ना अंदा नहीं। देखो अंजलि ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से रिटर्न गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट? मैं भी आज आपके लिए स्पेशल सूप बनाऊंगी। हाँ अंजलि इतनी बढ़िया खबर के बाद भी सूप? यस। एक काम करो इस सूप का सू रहने दो और आगे मोसे लगा दो तो बन जाएगी बढ़िया सी चीज। सुमोसे? सुमोसे? अरे नहीं भाई सुमोसे नहीं समोसे। अरे ये जो 100 पे ऊ की मात्रा है इससे उत्तम उत्तम समोसे। बहुत बुरा पीजे था तारक, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट ला रहे हैं ना तो आपको माफ किया। हाँ तो बस मैं आता हूँ, जल्दी जल्दी मिलते हैं। अंजलि को अपने तारक का इंतजार रहेगा। ठीक है तो फिर तारक भी ज्यादा इंतजार नहीं कराएगा, जल्दी आ रहा हूँ बाय बाय। क्या मेहता साहब आपको बोला फिर भी आपने बता दिया। यार जेठालाल अब ठीक है ना, जब तक घर जाएंगे तब तक खुश रहेगी और क्या। लेकिन बिना बताए सरप्राइज का मजा ही अलग होता है ना। बात तुम्हारी सही है लेकिन ठीक है चलो मैं बता दी। अच्छा एक बात बताइए मैडम आपके पास कोई हार्ट शेप का पेंडेंट होगा क्या? हाँ सर मिल जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ वो खुले और उसमें वो अक्षर हो जैसे टी और ए और ऐसा ऐसा हो सकता है? हाँ सर मिल जाएगा। दे दीजिए थैंक यू। बस बस कीजिए अभी आपको ज्यादा ही सीख गए आप। संगत का असर है भाई। सर आप इस फॉर्म में तब तक आपका नाम, एड्रेस और नंबर दे दीजिए, तब तक मैं आपका बिल बना देती हूँ। ये सब अच्छा कैमरा पेपर दे दीजिए। हाँ एक हेल्प करो ना जरा, तुम्हें सब नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर भर दो ना। क्यों आप क्या कर रहे हैं? भाई मैं सोच रहा हूँ जब तक वो बिल बना रही है तब तक मैं कागज़ पे अपना दिल उतार दूँ अंजलि के लिए। क्या मतलब? मतलब 2-4 पंक्तियाँ लिख दूँ अंजलि के लिए। अभी क्या अभी? भाई देखो मैं माँ सरस्वती का भक्त हूँ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो हो जाता है कुछ ना कुछ। वाह 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 घीसरा कवि, घीसरा एकदम जो ऐसा तुरंत दिमाग में आता है फटाक से ऐसे कर देते हैं। शीघ्र कवि, सॉरी सॉरी, शीघ्र का घिसरा हो गया, सॉरी। आंसू कवि, आंसू नहीं, आंसू नहीं, आंसू कवि जो तुरंत कर दे ना एकदम। अच्छा आंसू कवि, उसको ऐसा भी बोलते हैं आंसू, आंसू कवि। मैं लिखता हूँ, लिखो लिखो लिखो। चलो बढ़िया काम हो गया, अंजलि बहुत खुश हो जाएगी। अरे क्या बात है मेहता साहब, नए साल के पहले ही दिन आपको ऐसा चटाकेदार मसालेदार खाना खाने को मिल रहा है। मुझे लगता है आपका पूरा नया साल अच्छा जाने वाला है। पूछो बात, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे क्या हुआ भाई साहब? चोर मेरी सोने की चेन चोरी करके भाग गया। इस एरिया में चोरियां बहुत बढ़ गई है। जेठालाल कैसे एरिया में लेके आओ यार तुम मुझे, जब तुम्हें पता था ये एरिया त्राण सेफ है तो किसी सेफ एरिया में ले जाना चाहिए ना भाई। अरे मेहता साहब मैं तो कई बार यहाँ आ चुका हूँ लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है, और आपको दौड़ के चोर को पकड़ लेना चाहिए था ना। अंजलि भाभी ने आपको कितना सूप सैलेड खिला के फिट रखा है, फिर आप यार इतने में थक गए। अरे जेठालाल मैं फिट हूँ, एथलीट नहीं हूँ कि भाग के पकड़ लूँ। एथलीट क्या? अरे एथलीट नहीं, एथलीट धावक, धावक। लेखक हूँ, धावक नहीं हूँ। वो जो दौड़ में दौड़ते हैं ना, रेस करते हैं, वो नहीं हूँ मैं। पता नहीं सुबह उठ के किसका मुंह देखा था आज। सुबह से भाग ही रहा हूँ, कभी कचरे के ट्रक के पीछे भाग रहा हूँ, कभी चोर के पीछे भाग रहा हूँ, सुबह अंजलि की दी हुई गिफ्ट के पीछे भाग रहा हूँ, अभी मेरी ली हुई गिफ्ट के पीछे भाग रहा हूँ। भगवान कितने प्यार से गिफ्ट खरीदी थी जेठालाल मैंने, क्या क्या सपने देख रहा था। और अंजलि तो कितनी खुश हो गई सुन के कि मैं गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। उसने पता नहीं क्या क्या सपने देख लिए होंगे और मैंने खुद ने क्या क्या सोच लिया। सारे सपने चकनाचूर हो गए। नहीं पर जेठालाल मैं इन सपनों को चकनाचूर नहीं होने दूंगा। ये गिफ्ट तो वापस मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ आपको गिफ्ट वापस मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे? पुलिस स्टेशन, हम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन जाके कोई मतलब नहीं है मेहता साहब। क्यों? वहाँ जाके क्या खाली कंप्लेन लिखाएंगे ना और क्या? तो जेठालाल पुलिस स्टेशन में जाके कौन वसीयत लिखवाता है, सब कंप्लेन ही लिखवाते हैं ना भाई। मेरा मतलब है वहाँ जाके हम सिर्फ कंप्लेन ही लिखवाएंगे ना, पुलिस भी कंप्लेन लिख लेगी और बोलेगी भाई ठीक है हम लोग ढूंढ लेंगे, मिलेगा तो बताएंगे आपको। जेठालाल यही सोच हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधक है, इसी सोच को बदलना है हमें। पर ये कोई सोच हुई, इसी वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अरे तुम्हारे और मेरे जैसे समझदार लोग अगर ये सोच लें कि चोर पकड़े नहीं जाएंगे तो हम कंप्लेन क्यों करें? फिर तो चोरियां बढ़ती चली जाएंगी, ये शहर अपराधियों का घर बन जाएगा, ये समाज रहने लायक नहीं रहेगा, ये दुनिया जंगल हो जाएगी, जंगल। जेठालाल भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अपराध सहन करने वाला अपराध करने वाले से ज्यादा बड़ा अपराधी होता है। इसलिए इस चोरी की रिपोर्ट करना, कंप्लेन करना हम जैसे जागृत नागरिकों का न केवल हक है बल्कि कर्तव्य है, और कानून हमारी रक्षा करे, कानून का फर्ज है, और कानून को हमारी मदद करनी होगी। जेठल अरे कहाँ चले? पुलिस स्टेशन। बासुंदी मैं जानता हूँ सोने की चैन है, देखो वहीं कहीं होगी, ध्यान से देखो ना। अरे मैं तुम्हारी चैन क्यों छुपाऊंगा? नहीं चिल्ला नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी चैन क्यों छुपाऊंगा। हाँ वही कहीं होगी, देखो ना। अब परसों रात को तो इतने करीब से देखी थी, ऐसे लगी हुई थी तुम्हारे गर्दन में। हाँ मैं जानता हूँ, अब मैं पुलिस का सारा काम छोड़कर मैं तुम्हारी चैन ढूंढने घर आऊं। हाँ मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा पति भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं कि मैं तुम्हारी चैन को ढूंढूं। बासुदी नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही बात है सर। क्या है? नमस्ते चालू जी, पांडे जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या काम है? चालू जी पांडे जी ने हमें पहचाना नहीं। अरे तुम लोगों को कौन नहीं पहचानता? तुम जेठालाल हो और ये मेहता है। बोलिए अब क्या काम है? वो एक कंप्लेंट लिखवानी सर। पब्लिक पुलिस स्टेशन में आके अपनी कंप्लेंट लिखा सकती है। अब पुलिस अपनी कंप्लेंट लिखाने को किधर जाए? बराबर बोले सर, बराबर बोला ना। लगता है चालू जी पांडे जी का मूड ठीक नहीं है, चलते हैं। पर क्या चलते हैं जेठालाल? चोरी हुई है, कंप्लेंट तो लिखवानी पड़ेगी ना। पांडे जी दरअसल बात यह है कि वो सोने की चेन नहीं मिल रही है। पता है भाई, वही तो मगजमारी चल रही है यहाँ पर। आपको सोने की चेन के बारे में पता है? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? अरे अभी अभी तो फोन आया था। सोने की चेन के बारे में इतनी जल्दी आपके पास फोन भी आ गया? कमाल है, हमारा पुलिस तंत्र इतना फास्ट हो गया है, ताज्जुब की बात है। नहीं ताज्जुब तो मुझे हो रहा है कि चेन नहीं मिल रही है, ये तुम्हें कैसे पता? देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। अरे हमें क्यों डंडे पड़ेंगे साहब? डंडे तो उस चोर को पड़ने चाहिए ना जो चेन चोरी करके भाग गया। हाँ। चेन चोरी हो गई? हाँ। अलमारी में रखी हुई चेन चोरी कैसे हो सकती है? चेन तो अलमारी तक पहुंची ही नहीं ना। मतलब चैन की थैली तो मेहता सबके हाथ में थी। हाँ। मतलब चैन इनके पास थी। हाँ। तभी मैं सोचूं कि चैन क्यों नहीं मिल रही है। केस इज सॉल्व। घर पे जाके बासुंदी को बोलो चोर पकड़े गए हैं, अब माल भी बरामद हो ही जाएगा। ओके सर। मिस्टर मेहता जी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं अरेस्ट क्यों भाई? देखो तो कह रहे हैं मैं अंडर अरेस्ट क्यों? हाँ वो बराबर पूछ रहे हैं। क्या एक चोर का साथ देने के लिए जेठालाल, नाउ यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो कमाल का कानून है। हमारी तो चीज चोरी हुई है, हम अपनी चोरी की कंप्लेंट कराने के लिए आए हैं और आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। कमाल के चोर हो, खुद कबूल करते हो कि चैन तुम्हारे पास थी और खुद गिरफ्तार होने से इनकार करते हो। देखो तो। नहीं वो बराबर बोल रहे हैं। तुम मत देखो। आज पता चला कि सफेद कॉलर के पीछे कितना गंदा चोर छुपा बैठा है। बराबर बोले सर, बराबर बोला ना मैं? बराबर बोले। फिर मेहता साहब, आज तक मैं आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन आप तो चोर निकले। अरे सर आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं चोर नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है सर। अरे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। अभी अभी मेरे बीवी का फोन आया था कि उसकी सोने की चैन गुम हो गई है, और अभी अभी तुम्हारे साथी चोर ने कबूल किया है कि वो सोने की चैन की थैली तुम्हारे हाथ में थी। मतलब बासुंदी भाभी की भी सोने की चैन चोरी हुई है? अपनी गंदी जुबान से बासुंदी को भाभी कहने की जरूरत मत करना। मेरी बीवी किसी गुनहगार की भाभी नहीं हो सकती। गुनहगार? देखा कैसे तुम्हारा साथी रिश्ता जोड़कर बचने की कोशिश कर रहा है। नहीं वो बराबर बोल रहे हैं। अरे यार तुम तो। देखिए चालू जी, पांडे जी मैं आपको समझाता हूँ। बासुंदी भाभी की चेन और मेहता साहब की चेन दोनों अलग है। हम लोग तो क्या सोने की दुकान से नवी नक्कोर चेन वो मेहता साहब की जो पत्नी है ना अंजलि भाभी, उनके लिए मेहता साहब ने खरीदी। तो वो खरीद के हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो चोर वो सोने की चेन की थैली मेहता साहब के हाथ से चुरा के भाग गया। क्या क्या भाव बढ़ा? 29,300 रुपए तोला सर। वो पेंडेंट के अलग थे। अगर बासुंदी की सोने की चेन नहीं मिली तो 29,300 का फटका तो जरूर। चलो जी पांडे जी। हाँ हाँ क्या सोच रहे हैं? अरे यार तुम लोगों को बताना चाहिए था ना कि तुम लोग अपनी चैन की बात कर रहे थे। यार तुम लोगों को बताना चाहिए था ना कि तुम लोग अपनी चैन की बात कर रहे थे। अरे पांडे जी हम तो हमारी चैन की बात कर रहे थे ना सर, इसीलिए तो कंप्लेंट कराने आए थे। आप दरअसल गलती से बासुंदी भाभी की चैन समझ बैठे। हाँ। ओह, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। चलो अब इनका कंप्लेंट लिखो भाई, क्या है बोलो। हाँ जी सर, हुआ यूं कि हम लोग जो है वो अंजलि को एक गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ रेडी नहीं है। हाँ सर हुआ ये कौन का बात, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लिख लिया इनका कंप्लेंट? हाँ सब। हाँ देखो हमने कंप्लेंट लिख लिया है, जैसे पता चलेगा हम आपको बता देंगे। शक के दायरे में हम कुछ लोगों को पकड़ेंगे। वेरी गुड। आपको पहचान परेड में आकर उन लोगों को पहचानना पड़ेगा। नहीं सर, चोर को पहचान तो नहीं पाएंगे हम। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? पहचान क्यों नहीं पाएंगे? देखो ये क्या बोल रहे हैं। हाँ बराबर बोल रहे हैं। मैं समझाता हूँ। दरअसल क्या हुआ, मैं और मेहता साहब, मतलब मेहता साहब है वहाँ पे मैं था और मैं हूँ वहाँ पे मेहता साहब, और हम दोनों ऐसे रास्ते से मस्त ऐसे बातें करते करते चलते चलते जा रहे थे। हाँ। और मेहता साहब के दाहिने हाथ में वो सोने के चैन की थैली थी। चोर पीछे से आया और मेहता साहब के हाथ से वो थैली लेके भाग गया। तो हमें तो क्या है, चोर की पीठ देखी और ऊपर से क्या चोर ने पूरे सर पे कुछ कपड़ा बांधा हुआ था। तो अगर हमको चोर का चेहरा देखने का मौका भी मिलता तो भी हम देख नहीं पाते क्योंकि वो कपड़ा ढका हुआ था। इसलिए अभी चोर को कैसे पहचानेंगे? लेकिन पांडे साहब, उस चोर की एक चीज मुझे याद है, उसने ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ था। हाँ। क्या? ग्रीन कलर की टी शर्ट? हाँ 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 हाँ। अरे वाह, मिल गया। चोर जरूर पर्यावरण प्रेमी होगा। वाह 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 चालू जी, पांडे जी, क्या दूर की सोची है आपने। मतलब आप समझे नहीं मेहता साहब? नहीं। पर्यावरण प्रेमी, वो पर्यावरण प्रेमी है इसीलिए वो सोने की चोरी करता है। कैसे? क्या है कि वो सोने की ऐसे चेन दागिना वगैरह अगर चोरी करेगा तो लोगों में एक दहशत फैल जाएगी, तो लोग ये सोने की चीजें खरीदना बंद कर देंगे। और लोग अगर सोने की चीजें खरीदना बंद कर देंगे तो सोना बेचने वाले सोना बेचना बंद कर देंगे, और अगर वो लोग सोना बेचना बंद कर देंगे तो सोने की खदान में से सोना निकालने वाले सोना निकालना बंद कर देंगे। तो खदान में से अगर सोना निकालना बंद हो गया तो हो गई ना पृथ्वी की रक्षा, हो गई ना पर्यावरण की रक्षा। वाह वाह चालू जी, वाह पांडे जी, वाह 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 जेठालाल, बहुत अच्छा बोला। लेकिन मैंने इतना लंबा नहीं सोचा था। मैंने एक चोर के ग्रीन टी शर्ट को पर्यावरण के साथ क्या जोड़ दिया? तुम तो सोने की खदान तक पहुंच गए। सॉरी सर। पांडे साहब, चेन कब तक मिल जाएगी? जैसे चोर पकड़ा जाएगा आपकी चेन भी मिल जाएगी। और चोर कब तक पकड़ा जाएगा? क्या पता है यार, इन्होंने तो चोर को खदान तक पहुंचा दिया। मतलब चोर नहीं पकड़ा जाएगा अब? मैंने ऐसा कहा? हम कोशिश करेंगे, मिलते ही आप लोगों को इतला कर दी जाएगी। नहीं आप, मुझे उम्मीद है आप पकड़ लेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो एक मिनट चलो जी, पांडे जी ऑल बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। क्यों? आपको भी बासुंदी भाभी की चेन जल्दी मिल जाए उसके लिए। जेठालाल, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैं फिर बहुत गलत। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ बासुंदी, बस मैं निकल के पहुंच ही रहा हूँ। हाँ क्या आने की जरूरत नहीं है, चैन मिल गई है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। वाह जेठालाल वाह, क्या ऑल द बेस्ट बोला है। इधर ऑल द बेस्ट बोला और इधर चैन मिल गई। अब जिंदगी को पहेली ऐसे नहीं कहा जाता दोस्तों। हम सोचते कुछ और है, जिंदगी हमारे साथ कुछ और करती है। पति का बहुत उत्साह और उमंग के साथ अपनी पत्नी के लिए तोहफा खरीदना, उस तोहफे का चोरी हो जाना, पति का खाली हाथ घर लौटना, और वो भी तब जब पति ने पत्नी को गिफ्ट के बारे में, तोहफे के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया हो। ऐसे में क्या होता है, भूचाल आ जाता है, घर गृहस्थी डोलने लगती है। और यही हुआ है मेरे साथ और यही होने वाला है मेरे साथ। अंजलि आसमान सर पे उठाने वाली और मेरी गृहस्थी डोलने वाली है उस गिफ्ट के लिए जिसका कोई अता पता नहीं है। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या करेगी अंजलि, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि आपकी जिंदगी में हम जो हंसी की गिफ्ट लेके आते हैं वो कहीं चोरी होने वाले नहीं है। आपके लिए एक बहुत रोमांचकारी कहानी हंसी की गिफ्ट के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.